अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सना शेख। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल सी डिश लेके आई हूँ जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, और स्पेशली ये लंच बॉक्स में बहुत बच्चे लेकर जाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली लंच में स्कूल में। और आज हम बनाएंगे क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल से, जो हम बनाएंगे सैंडविच मेकर में। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए 4 स्लाइस, 1 बोल चिकन, उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था, 3 टेबलस्पून मेयोनीज, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, आप केचप भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले चिकन में हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने मेयोनीज और इसको हम चिली सॉस को मेयोनीज में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सा सॉस रेडी हो जाएगा। मेयोनीज और चिली सॉस को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत हमारा यम्मी सा सॉस रेडी हो गया। ब्रेड पे मैंने सॉस लगा दिया, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। क्योंकि मैं ये वाले सैंडविच जो हैं क्लब सैंडविच, ये मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ, जिस वजह से इसमें मैं कोई भी सैलेड ऐड नहीं कर रही हूँ। क्योंकि सैंडविच मेकर में जब स्टीम लगती है तो क्यूकम्बर और ये सब चीज़ें जो हैं वेजीज़ वगैरह थोड़ी अजीब सी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं लाइक नहीं करती। अगर आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हो। इस तरह से इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको सैंडविच मेकर में रख देंगे, क्लोज़ कर देंगे। जी, तो हमारे क्लब सैंडविच रेडी हो चुके हैं सैंडविच मेकर में, जो मैंने बनाए हैं आप लोगों ने देख लिए हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और डिप सॉस के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, जैसे आपको इजी लगे। गर्मी बहुत है और ये लाइट लाइट सा फूड कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कॉमेंट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।